मुंबई का सबसे पहला डॉन जिसने दाऊद को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। आखिर कौन है अंडरवर्ल्ड का वो पहला डॉन जिसके आतंक की पूरी मुंबई शहर में तूती बोलती थी? क्या आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला डॉन कौन था? अगर आप कहेंगे कि हाजी मुस्तान मिर्जा, तो दोस्तों आपको बता दूं कि मुंबई का सबसे पहला माफिया डॉन हाजी मुस्तान मिर्जा नहीं बल्कि करीम लाला था। वो करीम लाला जिसके नाम का आतंक पूरी मुंबई शहर में फैल रखा था, जिसे खुद हाजी मुस्तान भी असली डॉन मानता था। 7 फुट का करीम लाला सफेद पठान सूट पहनकर निकलता था तो रास्ते में वही आता था जिसकी बदनसीबी उन्हें वहाँ खींच लाए। एक वक्त वो भी आया जब करीम को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। करीम लाला अपने साथ रखता था एक काली छड़ी। उसका मानना था कि छड़ी से उसकी शख्सियत में और रुआब आता है। बाद में वो छड़ी ही करीम लाला मानी जाने लगी। जब कहीं किसी जगह को कब्जा करना होता था तो करीम लाला के गुर्गे उसकी छड़ी ले जाकर वहाँ रख देते थे। करीम लाला को ये अच्छे से पता था कि उसकी छड़ी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खां था, बाद में करीम लाला हो गया। करीम लाला का जन्म साल 1911 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ था। करीम को पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी कहा जाता है। करीम का परिवार एक बड़ा कारोबार चलाता था। इनके परिवार के पास काफी पैसा था। करीम अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहता था और खूब पैसा कमाना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ भारत के मुंबई शहर में आ गया, जहां उसने अपने 2 कारोबार शुरू किए। लेकिन ये कारोबार तो केवल एक दिखावा था। असल जिंदगी में उसका कारोबार यहां मुंबई शहर से हीरों और जवाहरात की तस्करी करने का काम था, जिसमें करीम को खूब मुनाफा भी हुआ और कुछ ही समय के बाद वो तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया। उसका कारोबार बढ़ता गया और उसने धीरे धीरे मुंबई में दारू और जुआ खेलने के लिए क्लब खोल दिए। पूरी मुंबई उसके गैर कानूनी धंधों से वाकिफ थी, लेकिन इस बिजनेस की वजह से करीम ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता भी की। 1940 के दशक में मुंबई शहर पर 3 डॉन का राज था, जिनमें करीम, हाजी मुस्तान और वरदा राजन शामिल थे। इन्होंने आपस में इलाकों को बांट लिया, जहां इनका व्यापार बिना खून खराबे के चलता था। बस फिर कुछ समय बाद मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम कास्कर और शबीर इब्राहिम कास्कर भी तस्करी के धंधे में आ गए। जैसे ही इन दोनों ने तस्करी का काम शुरू किया, वैसे ही इन दोनों भाइयों ने मिलकर करीम लाला को चुनौती दे दी, जिसके लिए दाऊद को काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। दरअसल करीम अपना काम बिना किसी खून खराबे के किया करता था, लेकिन इस धंधे में दाऊद की एंट्री होते ही खून खराबा शुरू हो गया। दाऊद ने बार बार करीम लाला का रास्ता रोका, हर वो कोशिश की जिससे करीम लाला के सामने लोग दाऊद का नाम ले, और यही कोशिशें मुंबई में गैंग वॉर लेकर आई। करीम लाला और दाऊद के बीच हुई खूनी लड़ाइयों को ही पुलिस ने पहली बार गैंग वॉर कहा। दोनों के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि करीम लाला की पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम को मार डाला। अपने भाई को मरता देख दाऊद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके सिर पर बस एक ही जुनून सवार था, करीम से अपने भाई की मौत का बदला लेना। फिर शब्बीर इब्राहिम की मौत के ठीक 5 साल बाद 1981 में दाऊद इब्राहिम की गैंग ने करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या कर दी। उसके बाद दोनों के बीच की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक दिन करीम लाला के हाथ जैसे ही दाऊद इब्राहिम लगा, तो करीम ने दाऊद की इतनी ज्यादा पिटाई की थी कि दाऊद के शरीर पर काफी गहरी चोटें लगी थी। दाऊद को पड़ी उस पिटाई के चर्चे आज भी मुंबई शहर में होते हैं। लेकिन इसके बाद करीम लाला की गैंग को दाऊद के गुंडों ने धीरे धीरे खत्म कर दिया और अंत में अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले करीम लाला की भी मृत्यु हो गई। 50 के दशक से 80 के दशक तक मुंबई पर करीम लाला ने शान के साथ राज किया था, लेकिन जब तक करीम लाला जिंदा रहा, उसने दाऊद इब्राहिम को चैन की नींद नहीं सोने दिया। तो इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि मुंबई का पहला डॉन कौन था और किसने कैसे क्या क्या किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना और अपनों का ध्यान रखें।